YouTube पर कामयाब तो सब होना चाहते हैं, लेकिन YouTube पर कामयाब होने के लिए काम कोई नहीं करना चाहता। लेकिन कमल भाई, हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो आजकल के न्यू क्रिएटर्स हैं, उनकी असल प्रॉब्लम है क्या। मेरे पास कैमरा नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अरे मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है, तो अकेला बंदा वीडियो कैसे बनाए? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं कैमरा एंगल्स लेना सिखाऊंगा तो लोग कहेंगे, भैया ये तो आप कैमरा से सिखा रहे हो, हमें मोबाइल से सिखाओ। अब चीज़ तो वही रहेगी ना, आपको मोबाइल भी ऐसे ही पकड़ना है और कैमरा भी, कैमरा एंगल दोनों में सेम ही रहते हैं। मैं एडिटिंग की टिप्स दूंगा तो लोग कहेंगे, हमें सेम चीज़ मोबाइल के अंदर भी करना सिखाओ। अब अगर मैं आपको एडिटिंग में सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जूम करके कट लगाना है, तो वो आप चाहे कंप्यूटर में कट लगाओ, चाहे आप मोबाइल के अंदर लगाओ, चीज़ तो वही है ना। बस फर्क होता है मोबाइल और कंप्यूटर में सिर्फ ये कि एक बटन कंप्यूटर में यहाँ पे है तो मोबाइल में यहाँ पे होगा। अब उसको यूज़ कहाँ करना है वो तो चीज़ सब में सेम ही रहेगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि आप मोबाइल से करो या कंप्यूटर से। लेकिन भाई, मेरे पास तो टीम नहीं है, बंदे नहीं है, दोस्त नहीं है, मैं कैसे अकेला बनाऊं? बीबी की वाइंस, शुभ स्केलेटन, एंग्री प्राश, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी और सौरभ जोशी, ये सब अपनी कैटेगरी के सबसे टॉप क्रिएटर्स में से एक है। इनमें से किसी को भी आज तक किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी कि वीडियो बनाने में, भैया तू मेरी मदद कर पाएगा तभी मेरी वीडियो बन पाएगी। जब इन्हें टीम की जरूरत नहीं पड़ी तो आप ये टीम वाला बहाना कैसे लगा सकते हो? लेकिन भाई, मैं तो राउंड टू हेल हर्ष बेनीवाल जैसी वीडियोस बनाता हूं और अच्छी भी बना लेता हूं, तो मेरी वीडियो पे रीच क्यों नहीं आ रही? अब अगर आप उनके जैसी वीडियोस बना रहे हो तो लोग उन्हीं की वीडियोस को देख लेंगे ना, आपकी वीडियो पे क्यों आएंगे लोग? जब तक आप कुछ ओरिजिनल नहीं लेके आते तब तक यूट्यूब पे लोग आपको क्यों ही देखेंगे? लेकिन भाई, मैं तो अपनी ओरिजिनल वीडियोस बनाता हूं, मेरी सारी स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूं। ओरिजिनल तो बस आप लिखते हो ना, चीज तो वही बना रहे हो आप जो आज से 2-4 साल पहले वही सब क्रिएटर्स बना चुके हैं। राउंड 12 हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स कोई आज के टाइम पे नॉर्मल वीडियोस तो बना नहीं रहे, जो आप अपनी वीडियोस को उनकी वीडियोस से कंपेयर करो, और जो वीडियोस आप बना रहे हो वो 4-4, 5-5 साल पहले वो सब बना चुके हैं। अब अगर 4 साल पुरानी मिठाई नए डिब्बे में डालने से वो नई नहीं हो जाएगी, तो वैसे ही आपकी 4 साल पुरानी टाइप की वीडियो को आज के टाइम पे सिर्फ नई ओरिजिनल बोल के वो नई और ओरिजिनल नहीं हो जाएगी। लेकिन भाई, मेरा तो स्कूल होता है और जॉब भी होती है, तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूं? मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। अब स्कूल आपका खत्म हो जाता है 2 बजे और जॉब खत्म हो जाती है 6 बजे, चलो 7 बजे, बाकी के टाइम में आप क्या करते हो वो सारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप YouTube पे कितनी मेहनत करते हो। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी आज के टाइम पे भी रात के 2-2, 3-3 बजे तक वीडियोस को शूट करते हैं, एडिट करते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर यूट्यूबर बनने का सपना आपका है ना, तो उसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। और सिर्फ वीडियो बनाना मेहनत करना नहीं होता, मेहनत एक्चुअल में वो है जो वीडियो बनाने से पहले आप करते हो, यानी कि कितने घंटे बैठ के आपने स्क्रिप्ट लिखी, कितनी बार आप कुछ नया सीख रहे हो कि अपनी वीडियोस में ये चीज़ हमें करके देखनी है, तो नया बिल्कुल जीरो से आपने कुछ सीखा हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई फिल्म मेकिंग की टेक्निक हो। लास्ट टाइम कब आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी स्क्रिप्ट पे 4-5 घंटे लगाए हो कि भैया आप इसको लिखना ही लिखना है? टीम नहीं है तो मेक जोक ऑफ की तरह एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। एनिमेशन नहीं आती और एनिमेशन नहीं सीखनी तो कैरी मिनाटी की तरह रोस्टिंग वीडियो सीख लो। गाली नहीं देनी अगर अपनी रोस्टिंग वीडियोस में तो थगेश की तरह वीडियोस बनाना सीख लो। रोस्टिंग नहीं करनी अपनी वीडियोस में तो बीबी की वाइंस की तरह वीडियोस बना सकते हो। फेस कैम नहीं दिखाना तो शुभ स्केलेटन की तरह वीडियोस बना सकते हो, उसमें तो आवाज की भी जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपके यूट्यूब में बीच में आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आ रही है, एक्चुअल लाइफ में वो प्रॉब्लम है नहीं। एक फोन और एक इंटरनेट की मदद से आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज बना सकते हो, आज के टाइम पे कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और वो चीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मन होना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी चाहिए, और यही मेहनत आज के टाइम पे क्रिएटर्स नहीं कर रहे, और यही है हमारे प्यारे सभी YouTube क्रिएटर्स की प्रॉब्लम।